नमस्कार। हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। लखन सिया राम चंद शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हम उज्जैन में कालिदास समारोह बचपन से देखते आए हैं, तो कार्यक्रमों के प्रति हमारे मन में हमेशा एक उत्साह और उमंग बनी रहती थी और हम देखते थे कार्यक्रम। सन 1987 की बात है, मैंने मायापुरी में अनूप जलोटा जी का एक समाचार पढ़ा कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा? कि मैं मंदिरों में प्रोग्राम फ्री में दूंगा, निशुल्क दूंगा, कोई शुल्क नहीं लूंगा। उन दिनों अनूप जलोटा जी की जो लोकप्रियता और सफलता पूरी दुनिया में थी, हर इंसान के दिल और दिमाग में अनूप जी के भजन हमेशा गूंजते रहते थे। वो समाचार मैंने पढ़ा और मेरे मन में उत्सुकता हुई और मैं महाकाल मंदिर गया, दर्शन किए कि मैंने कहा, हे प्रभु महाकाल बाबा, ये कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं देहरादून से मुंबई गया, फेडर रोड पर गया उनके घर पर। जब 2-3-4 घंटे बाद आखिरकार मुझे घर के अंदर बुलाया गया और अनूप जी मिले, कहाँ से कैसे आए हो। मैंने पूरा परिचय दिया, अपने बारे में बताया और मैंने कहा, ये समाचार पढ़ा है। उन्होंने कहा, ठीक है, कौन हो, क्या हो? मैंने कहा, सब मैं हूँ, बस उज्जैन से आया हूँ, महाकाल बाबा की नगरी से। ऐसा कैसे, क्या करोगे? सब मैंने कहा, हो जाएगा सर। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। अब मेरे मुझे फ़ोटो खिंचवाना था उनके साथ, तो वहीं पेडल रोड पर लता जी के घर के सामने एक फ़ोटोग्राफर की शॉप है, मैंने उससे निवेदन किया। मैंने कहा, एक फ़ोटो ले लो, मैं आपको 5-6 गुना पैसा दूंगा। और ये वो कर कुरा के वो तैयार हुआ मेरे बार बार निवेदन पर, एक फ़ोटो लिया। अब मैं वहाँ से लौटा खुशी खुशी, उसी शाम में ट्रेन पकड़ी मैंने, बगैर टिकट गया था मैं और बगैर टिकट ही लौट रहा था। रास्ते में मुझे बहुत खुशी थी, इतना खुश था, आखिर दाहोद या गोधरा में कहीं मुझे पुलिस ने रोका, टिकट पूछी। मैंने कहा, टिकट नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा, आइए नीचे। नीचे गया, उन्होंने जो रस्सी वगैरह होते ना, इसे हाथ में रस्सी बांधने लगे वो। तो मैंने कहा, सर ऐसा है, मेरे पास कुछ पैसा सा नहीं है, आप मेरी घड़ी रख लीजिए। तो उन्होंने मुझसे घड़ी ले ली वो, और मैं छूट गया, उज्जैन आ गया, सब भूल भाल गया, घड़ी वगैरह मेरी। मुझे इतना खुश था कि कार्यक्रम के लिए ज़्यादा खुशी थी, घड़ी वड़ी छोड़ जाए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आया और मैंने, उस समय शहर में मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, मोहल्ले तक ही सीमित थे हम। तो मैं महाकाल मंदिर के अंदर जो पंडित रमण त्रिवेदी हैं, उनको जाकर ये बात बताई और मैंने उनसे एक वादा लिया कि आप इस कार्यक्रम में मुझे बाद में अलग मत करना, नहीं तो पता लगा आप मुझे बाद में अलग कर दें। उन्होंने कहा, नहीं, अपने दोनों का ही नाम रहेगा, आप निश्चिंत रहो। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया। उसके बाद मैं अपने कार्यक्रम की तैयारी में लग गया, सबको बड़ी खुशी हुई, हमारे दोस्त यारों को सबको, अनूप जी आ रहे हैं। करते करते आखिरकार वो समय आया हमारा कार्यक्रम का, और कार्यक्रम के 4 दिन पहले से खूब तेज बारिश हो रही थी और निरंतर हो रही थी, रुकी नहीं रही थी बारिश। एक दिन पहले हमारे क्षेत्र के CSP ने मुझसे कहा कि केशव राय, अगर अनूप जलोटा नहीं आए ना तो मैं जेल में बंद डाल दूंगा, मैं खूब पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि शहर में सारे लोगों की उत्सुकता है और कहीं ये ऐसा नहीं है कि आप समाचार गलत दे दिया, लोग आए नहीं और गुमराह हो रहे हैं लोग। मैंने कहा, नहीं साहब, आएंगे, क्या है आपके पास? तो मैंने कहा, मेरे पास सर फोटो है, बस बाकी लिखा पड़ी नहीं है। और वो फोटो की याद देखिए, जब मैं उज्जैन लौटा, उस फोटो को पाने के लिए, क्योंकि वो फोटो पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट द्वारा भेजने वाला था, मैं रोज पोस्ट ऑफिस जाया करता था। आखिरकार 14-15 दिन बाद मुझे वो फोटो मिला। पोस्ट ऑफिस में लोग तंग आ गए थे कि रोज रोज आते हो, कौन सा फोटो आने वाला है। मैंने उनको बताया कि अनूप जलोटा जी का है, रोज उज्जैन आने वाले हैं। तब मैंने CSP को ये फोटो बताया कि देखिए, बोले इस फोटो से काम नहीं होगा, फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता है, कल अगर वो नहीं आए तो याद रखो, मेरे सब आएंगे। उसके बाद फिर मैं महाकाल मंदिर गया, दर्शन किए, फिर मैंने कहा, प्रभु लाज रख लेना। और आखिरकार दूसरे दिन
अनुप जी आए और ये कार्यक्रम हुआ और पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पर, इतना खचा खच भरा था। बहुत ही कार्यक्रम सफल रहा, बाद में सभी ने सराहा और शहर में शासन प्रशासन सभी ने इस बात को माना कि इतने बड़े कलाकार आए हैं और निःशुल्क आए। तो ये अनूप जी ने हमारी वहाँ से जो शुरुआत की बड़े कार्यक्रमों की, तो ये महाकाल बाबा की कृपा से आज तक हमारी वो विश्वसनीयता बनी हुई है और फिल्म इंडस्ट्री साहित्य जगत संगीत जगत सभी के बड़े बड़े कलाकारों के हमने कार्यक्रम करा लिए हैं। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। जय महाकाल।